दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद गणित में एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी यूरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेगा, ये बात मैं पूरे दावे के साथ बोल रहा हूँ। अगर आप यूरोन के सूत्र को एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहते तो आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए। जो लोग सच में यूरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना एकदम अच्छे से सीखना चाहते हैं, केवल वही लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूरोन सूत्र के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये रहा सूत्र। तो ये सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये जो आपको सूत्र दिखाई दे रहा है, इसी सूत्र को हम लोग बोलते हैं यूरोन का सूत्र, ठीक है। अब इसको यूरोन का सूत्र क्यों बोला जाता है, इसको यूरोन का सूत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि यूरोन जो है एक व्यक्ति का नाम है, ठीक ना। एक ये गणितज्ञ थे और इन्होंने इस सूत्र को बताया था, इसलिए इस सूत्र को यूरोन का सूत्र बोला जाता है, ठीक है। अगर आप इस सूत्र को बताए होते तो यहाँ पे आपका नाम होता। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इस सूत्र में देखिए एस है और ए बी सी है, केवल चार ही अंग्रेजी का लेटर है, तो हम लोग जान लेते हैं कि एस क्या चीज़ है, ए बी सी क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब एस क्या चीज़ है, तो देखिए एस को हम लोग बोलते हैं अर्धपरिमाप। एस को क्या बोलते हैं, अर्धपरिमाप। और एस का फुल फॉर्म होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्धपरिमाप को अंग्रेजी में सेमी पेरीमीटर बोला जाता है। अब अर्धपरिमाप निकालने के लिए ये सूत्र होता है, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बट्टा दो। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो यूरोन का सूत्र है, इस सूत्र का उपयोग करके हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बस हमें उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इस यूरोन के सूत्र का उपयोग करके हम लोग किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो त्रिभुज किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, यानी कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो। अगर हमें उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ पता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग इसी सूत्र का उपयोग करके लगा सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग सवाल लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल दिया गया है, सवाल क्या दिया गया है, बोला गया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर हैं। यानी कि कोई त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं की लंबाई ये दे दिया गया है और हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना देंगे, इसमें हम लोग यही तीनों भुजाओं की लंबाई लिख लेंगे और इस त्रिभुज का नाम दे देंगे। मैंने त्रिभुज का नाम पी क्यू आर रखा है, आप चाहें तो ए बी सी रख सकते हैं, नाम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी लिख लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ए बी सी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिखा ए और यहाँ पर लिख लेते हैं ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हैं। तो हम लोग ए बराबर 15 लिख लेते हैं, बी बराबर 25 लिख लेते हैं और सी बराबर 30 लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ए बराबर 15 लिखा, बी बराबर 25 लिखा, सी बराबर 30 लिखा, ठीक ना। आप चाहें तो ए बराबर 30 लिख सकते हैं, बी बराबर 15 लिख सकते हैं, सी बराबर 25 लिख सकते हैं। आप चाहें तो ए बराबर 25 लिख सकते हैं, बी बराबर 30, सी बराबर 15। यानी कि ए बी सी आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक ना, इन तीनों में से आप ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस निकाल लेते हैं। तो एस का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बट्टा दो, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसी में ए बी सी की जगह पे ये सब रख दीजिए। तो ए की जगह पे क्या रखना है, 15 प्लस बी की जगह पे रखेंगे 25 प्लस सी की जगह पे क्या रखेंगे 30 और ये हो जाएगा पूरे का बट्टा दो, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लीजिए। तो 15 25 और 30 को जोड़ेंगे क्या आएगा, तो 15 और 25 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा और 40 में 30 जोड़ेंगे तो 70/2 हो जाएगा। अब देखिए 70/2 आ गया, तो हम 2 से 70 में भाग कर देंगे, ठीक ना। 2 से 70 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 70 में भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35। तो यहाँ पे 2 से 70 में भाग करने पर 35 आ गया। तो मैं यहाँ पे भाग करके दिखा देता हूँ, हो सकता है कि कई लोगों को दिक्कत हो। तो 2 से 70 में भाग करना है तो कितना हो जाएगा,
दो त्या छः, यहाँ पे एक बचेगा, अगला उतार लीजिए जीरो, फिर दो पचे दस, आप देख सकते हैं ये कट गया, तो यही वाला 35 तो हमने लिखा है, ठीक ना। तो इस तरह से हमें ए बराबर 15 पता चल गया, बी बराबर 25, सी बराबर ए और एस बराबर 35 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, तो हमें चूंकि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसको बोलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसका क्षेत्रफल बराबर सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है, एस एक कोष्टक में एस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में एस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में एस माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, इसी सूत्र में सभी का मान रख देते हैं। तो जहाँ पर इस सूत्र में जहाँ पर एस दिखे वहाँ पर आप 35 रखेंगे, जहाँ पर ए दिखे वहाँ पे 15 रखेंगे, जहाँ पर बी दिखे वहाँ पे ये रखेंगे, सी दिखने पर ये रखेंगे, ठीक ना। तो एस की जगह पे क्या रखना है, ये वाला 35, तो ये 35 लिख दिया, कोष्टक लगाइए, इस एस की जगह पर भी 35 लिखेंगे, माइनस से माइनस लिखिए, ए ए की जगह पर क्या लिखेंगे 15, तो ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पे इस एस की जगह पर भी हम रखेंगे 35, माइनस इस बी की जगह क्या रखेंगे 25, तो ये हो गया 25। फिर इस एस की जगह क्या रखेंगे 35, माइनस इस सी की जगह क्या रखेंगे, ये 30 रखेंगे, तो ये हो गया 30। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घटा लेते हैं, तो ये पहला 35 हो गया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 35 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20, ठीक ना। फिर हम लोग 35 में से 25 घटाएंगे, ये आपको कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर 35 में से 30 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे कोष्ठक हटा देंगे, तो कोष्ठक हटाने पर यहाँ पे बीच बीच में गुणा लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 गुणा 20 गुणा 10 गुणा 5, ठीक ना। अब आपको इसके बाद एकदम ध्यान से समझना है। तो देखिए जब भी आप लोग हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का, तो यहाँ पे चार संख्या जरूर आएगा। यहाँ पे देखिए एक संख्या 35 है, दूसरा संख्या 20, तीसरा संख्या 10 और चौथा संख्या 5। तो जब भी आप लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो चार संख्या जरूर आएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग लगा लेंगे बहुत ही आसानी से। इसके बाद आपको ध्यान से समझना है कि इसके बाद आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे जब चारों संख्या आ गया ना, तो इन चारों संख्याओं का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे पहली संख्या 35 है, तो हम लोग यहाँ पे 35 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो चूंकि ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 से 35। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 और 7 आ गया, तो हम क्या करेंगे, ये रूट लगाएंगे और इस 37 की जगह लिख देंगे 5 गुणा 7, यानी इन्हीं को लिखेंगे, बस गुणा लगा देंगे। फिर गुणा करिए, ऐसे ही 20 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो ऐसे लिखिए 2 से कट जाएगा, 2 दहाँ पे 20, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पाँच 10, अब ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5, समझ गए ना, 2 गुणा 2 गुणा 5, फिर गुणा लगाइए। अब ये तीसरी संख्या 10 है, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 पाँच 10, 5 एकम 5, तो इस 10 के जगह पे लिखेंगे 2 गुणा 5, फिर गुणा हो गया। अब ये लास्ट संख्या है 5, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, सीधे 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5, तो यानी कि 5 के जगह पे 5 ही लिखेंगे, आप देख सकते हैं 5 ही तो आ रहा है। अब देखिए अगर आपको ये करना अच्छे से नहीं आता होगा, तो इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूंगा। अब देखिए जब आप लोग सवाल लगाएंगे, तो अगर आपको इसमें भी गलती करेंगे ना, तो ये पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप लोग सवाल लगाएंगे तो ये आपका सही से होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए अब हमने इसका अभाज्य गुणनखंड करके नीचे लिख लिया, इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब जब हमने अभाज्य गुणनखंड करके इतना लिख दिया, तो अब आपको क्या करना है, देखना है कि एक ही संख्या रूट के अंदर 2 बार आया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 आया है और यहाँ पर भी 5 आया है, ठीक ना, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो जब रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार आया रहता है, तो वो दोनों रूट से बाहर निकल जाता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अब हम क्या करेंगे, रूट के अंदर संख्या खोजेंगे, अगर एक ही संख्या 2 बार आया है तो वो दोनों ही रूट से बाहर निकल जाता है। जैसे देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों ही रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन रूट से बाहर जाने के बाद ये केवल अकेला बच जाएगा, ठीक ना। रूट से तो दोनों बाहर निकलेंगे, लेकिन रूट से बाहर आते ही केवल 1 5 बचेगा। फिर गुणा लिखिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2, ये आप देख सकते हैं कि एक ही संख्या 2 बार आया है, तो ये दोनों भी बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर जाके ये अकेले बचेगा। फिर गुणा लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 को 5 है,
तो ये भी दोनों बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर जाते ही केवल एक हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर सात बचा है, एक अगर एक साथ और रहता तो वो दोनों मिलकर के बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक दो और बचा है, अगर एक दो और रहता तो वो भी दोनों बाहर निकल जाते हैं, ठीक ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि सब बाहर निकल गए, लेकिन ये अकेला बचा, ये भी अकेला बचा, तो जो अकेला बच जाता है ना वो रूट के अंदर ही रह जाता है, ठीक ना। सात और दो बच गया, अकेला था, तो इसको रूट के अंदर ही लिखेंगे। और एक ही संख्या अगर दो बार आए तो वो दोनों बाहर निकल कर अकेला बचा है, आप देख सकते हैं, ठीक ना। बस अब क्या करना है, इनका बाहर गुणा करिए, इनका अंदर गुणा करिए। तो इनका गुणा करेंगे तो पाँच दूना दस और दस बचे, ये हो जाएगा पचास। अब रूट के अंदर गुणा करिए तो ये हो जाएगा सात दूना चौदह। यानी कि यहाँ से एकदम महत्वपूर्ण नियम समझ लीजिए कि अगर एक ही संख्या दो बार दिखे रूट के अंदर तो वो दोनों बाहर निकल जाएगा और उन सभी का बाहर गुणा करेंगे, और जो अकेला बच जा रहा है उसको रूट के अंदर ही गुणा करेंगे। समझ में आ गया ना, तो इस तरीके से इतना आ गया, ठीक ना। अभी ये आंसर नहीं हुआ है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तीनों भुजा का लंबाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो ये जो आया है इसके बाद आप सेंटीमीटर लिखिए, ऊपर दो घात लगा देंगे, ये दो हमेशा रहेगा। अब ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर मान लेते हैं कि यही तीनों भुजाएं मीटर 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 रहता तो यहाँ पे मीटर लिखते हैं और ऊपर दो घात लिखते हैं। क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो ऊपर दो घात लगाते हैं, आयतन जब भी निकालते हैं तो ऊपर तीन घात लगाते हैं। समझ आ गया ना, तो इस तरीके से इसका आंसर इतना आ गया। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहीं से इस वीडियो को छोड़ दिए होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि मैंने पूरा कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया, लेकिन नहीं, अभी मैं आगे एक चीज़ और बताऊंगा, एक पॉइंट और बताऊंगा, उसे सीखने के बाद ही आप इस तरीके के सवालों को हल कर पाएंगे, ठीक है। जो उसे नहीं सीखेगा इसमें ज़रूर गलती करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसे ज़रूर सीखिएगा, और उसे समझाने के बाद मैं आपको एक सवाल भी दूंगा, तो आप लोग उसे ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए उसे हम लोग सीखते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम लोग हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का, तो यहाँ पर चार संख्या जरूर आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमने किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और चारों संख्या ये आ गया, तो इसके बाद हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए तो यहाँ पर चारों संख्या क्या है, पहला संख्या 45 है, दूसरा 12 और तीसरा 3 है और चौथा 5 है। तो हम लोग इन चारों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 45 है, तो 45 का अभाज्य गुणनखंड करिए, ये किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 पाँच 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पाँच 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो ये रूट लगाइए बड़ा सा, 45 है तो ये लिखेंगे 3 × 3 × 5, तो 3 × 3 × 5 फिर गुणा लगा दीजिए। दूसरी संख्या 12, तो ऐसे 12 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 से कटेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 3, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। अब ये तीसरी संख्या है 3, तो ऐसे 3 का करेंगे तो 3 × 3, 3 × 3 ही रहेगा, तो ये 3 लिखिए, फिर 5 का 5 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, एक ही संख्या दो बार आया है तो दोनों बाहर निकल जाता है रूट से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 दो बार आया है, तो ये दोनों ही रूट से बाहर निकल जाएगा, तो बाहर जाके केवल एक 3 बचेगा, फिर गुणा लगाइए। यहाँ पर देखिए 1 5 यहाँ पर है, दूसरा 5 यहाँ पर है, तो ये भी दोनों बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाहर जाके केवल 1 5 बचेगा। कहाँ से बाहर निकल रहा है, रूट से बाहर निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक ही संख्या दो बार आया है, तो ये दोनों ही बाहर निकल रहा है, लेकिन बाहर जाके 1 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए 3 दो बार आया है, तो बाहर जाके 1 3 बचेगा। अब आप देख सकते हैं कि रूट से सब बाहर निकल गया, रूट में कहाँ कुछ बचा, तो जब रूट में कुछ नहीं बचता तो रूट गायब हो जाता है। बस यही नया कंसेप्ट आपको सिखाना था। अब इन सबका गुणा कर लीजिए, तो 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30 और 30 × 3 = 90, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 90। समझ आ गया ना। तो चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है, आपको इसका क्षेत्रफल निकाल करके कमेंट में ज़रूर बताना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा।